Welcome back to my channel. I hope you guys enjoy this video. तो आज की वीडियो कैसी है ये जानना चाहेंगे तो खान सर के ऊपर यार केस चल रहा है कि वो लड़कों को भड़काए हुए हैं जो छात्र NTPC का और RRB का एग्जाम दिए हुए थे। तो देखते हैं आज खान सर के बारे में क्या इंटरव्यू चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन हाँ उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये अकड़ इस अकड़ के पीछे क्या नुकसान होगा? यही होगा कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पैसा भी कमाने का तरीका है ना, मान के चले 10 एक बल्ब फूटेगा तो सरकार उसके पैसा कितना निकलेगा? 1 लाख रुपया लगेगा 10 रुपए का एलईडी बल्ब। तो इसको दूसरे तरीके से क्यों समझना, हम सीधे तरीके से क्यों नहीं समझे? देखिए आप सीधा एक बताइए, जैसे किसान विधेयक 1.5 साल बाद वापस लिया गया, आराम से उसी को पहले समझ के बात कर लेते तो हो जाता, ये भी वापस लिया जाए। किसान विधेयक से बड़ा विधेयक है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, लोकसभा राज्यसभा पारित किया, और वो लड़का देख रहा है कि तो RRB के थी। यस, अब वो भी पारित करेंगे, वापस लेना ही होगा। अब लड़के नहीं मानेंगे, हम आपको बताते हैं ना, लड़का अब नहीं मान पाएगा, हम लोग से कंट्रोल के बाहर है। आंदोलन की जिस तरह से डेट पता है कि कहां तब क्या होने वाला है, तो क्या ये कब वापस हो जाएगा, इसकी भी डेट पता है कि कितने तारीख को या फिर किस महीने वापस हो जाएगा? देखिए लड़के सब पढ़े लिखे हैं सर, वो आज का लड़का ग्रेजुएट है, हाजी का जमाना चल रहा है, आप रोक नहीं सकते हैं लड़कों को। लड़का सबको पता है, वो राजधानी रोक रहा है, तेजस रोक रहा है, VIP लोग तक रहेंगे, विधायक लोग उसी में बैठा है, वो लोग दबाव बनाएंगे, लोग सबको रोक दिया सर, तेजस कैंसिल हो गई कल पटना से। तो क्या छात्र चाह रहे हैं कि खान सर भी उतर आए सड़कों पर उनके साथ? देखिए खान सर जिस दिन आएंगे RRB को बहाना मिल जाएगा, वो अपनी गलती उठा के पटक देगी खान सर के ऊपर, खान सर ने किया है। लड़कों को लड़के सब पढ़े लिखे हैं, उनको समझना है। हम देखिए लड़के प्रशासन से भी कहते हैं कि लड़कों पे ज़्यादा अत्याचार ना कीजिए, लड़कों भी कहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहते हैं जिन लड़के का आप माथा फोड़ दीजिएगा, जिसके हाथ में 22 टाका मारे हैं, क्या उसको खान सब छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। सर अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि नवादा में भी अभी ट्रेन को रोका गया है, वहाँ भी छात्र काफी आंदोलित हो गए हैं, तो हर जगह से खबरें आ रही है हमारी स्क्रीन पर, इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिख रहा है। बता दे रहे हैं आप स्क्रीन पर, हमसे सुनिए, मोतिहारी में ट्रेन रोक दिया गया है, गोपाल इधर नवादा में रोक दिया गया, बिहार शरीफ में, जमुई में रोका गया, भागलपुर में रोकने की पूरी तैयारी में है, उधर कटिहार से ट्रेन को खुलने नहीं देगा। तो खान सर सड़कों पर अभी छात्र चाहते हैं कि चलिए आंदोलन हो रहा है तो क्यों ना शिक्षक भी आए और सामने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और खान सर ने पहले ही कहा। रेलवे का पहले से एक टैक्टिस है, जैसे टीचर आएगा ये सारा ठीकरा टीचर को छोड़ देगा, वो चाहते हैं कि टीचर आए, वो प्रोवोक कर रहे हैं सर, खान सर का है, खान सर का है, जैसे आएंगे सारा ठीकरा खान सर को कर देंगे, अब बच्चों का वो डिमांड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे में कुछ अपील है खान सर उन लड़कों से जो कि जिनके ऊपर वाटर कैनन या फिर अपील कहेंगे कि देखिए आप संयम बना के रखेंगे, आपसे कहीं से भी डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, आपकी एक गलती को ये लोग 20 गुना बताएंगे, इसलिए आप ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। प्रशासन से भी कहते हैं लड़के के ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी आंदोलन को अत्याचार से नहीं दबाया जा सकता। क्या जलियांवाला बाग में इतना गोली चलवा दिए थे तो क्या आज़ादी की मांग रुक गई थी? कभी नहीं रुक सकती। 1857 में क्या निहत्तों पे गोली चलाई गई थी तो क्या आज़ादी की लड़ाई रुक गई? नहीं रुकी। ये लड़कों के लिए भी समझिए उनका भविष्य जो है वो अंधकार में, नहीं रुकेगा। अभी तो बहुत सारे हथकंडे आ गए हैं, अब तो बहुत सारी चीजें हैं, अब तो निगरानी से लेकर तमाम चीज के हथियार सरकार के पास है, तो खान सर के ऊपर सिग्नेचर कसने में कितना टाइम लगेगा अगर इस तरह की बातें उनके दिमाग में है, माफिया वाली बात चीजें चल रही है सरकार के दिमाग में? खान सर को अभी लेते चले, हम तो अभी जाने को तैयार, लेकिन हम अभी बता रहे हैं ना कि हमको लेके चले, ये आंदोलन नहीं बन गया, क्योंकि हम ये सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। जब भी हक की लड़ाई होती है तो कभी भी वो किसी का मोहताज नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। तो आपको वीडियो से क्या मिला यासिक? खान सर को लोग माफिया बता रहे हैं, वो भी NTPC के रेलवे में काम करने वाले लोग, क्या भाई जुगाड़ है। और रेल मंत्री वैभव करके कुछ हैं, नाम तो क्लियर नहीं हो सकता, बट उन्होंने भी मान लिया है कि हाँ हमसे गलती हुई है, 2-3 हफ्ते के अंदर इस बात पर चर्चा हम करेंगे, मतलब सुधार करेंगे। तो यार कौन सही है कौन गलत है,
पहले तो आप बोले तो एक एग्जाम करवाएंगे, एक बच्चे एक एग्जाम दे दिए, एक महीने बाद आप एक महीने तो बचा हुआ एग्जाम में आप कह रहे हैं हम दो एग्जाम लेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे भाई? बच्चे जो दो दो साल से तैयारियाँ कर रहे हैं वो कहाँ से करेंगे? इसका तो कोई किसी के पास कोई समाधान है ही नहीं। पर सबको अपना अपना काम प्यारा है, लूटने की तैयारी में है। तो आपको कैसे लगता है कि बच्चे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, यह हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करना और एक लाइक ज़रूर करना। #NTPCRRB ओके। तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।